तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां जुटी हुई हैं और दल बदल का सिलसिला भी जारी है। जेडीयू में 5 MLC चले गए हैं आरजेडी के, उससे तगड़ा झटका लगा है। अब चर्चा ये है, अटकलों का बाजार गर्म है कि आरजेडी के आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक जा सकते हैं जेडीयू में। अभी मेरे साथ हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, जो बिहार के कद्दावर नेता हैं, आरजेडी के भी और अल्पसंख्यक के भी। इनसे बात करते हैं कि क्या सर, क्या खतरा है पार्टी में टूट का? मतलब पार्टी में हमेशा इसी तरह की चर्चा होती रहती है, अराजत के बारे में ही ज़्यादा चर्चा होती है, जो जिसकी ताकत होती है उसी की चर्चा होती है। बहुत लोग बहुत जमाने से हमारे अस्तित्व को मिटाना चाह, मगर अस्तित्व मिटा नहीं। तो अब जो लोग अपना लगे हुए प्रयास में लगे रहे, लेकिन जो अटकल बाजार में चल रही है कि आप ही लीड कर रहे हैं, 12 विधायकों ने साइन भी कर दिया है, इस तरह की खबर सुना कि इस मुहिम में आप ही हैं आगे? हमको तो बताया गया कि साहब आपको जिम्मेदारी दी गई है कि साहब ये मुहिम चलाइए, तो आपका मुहिम चला रहे हैं। नहीं, इस तरह का क्यों अफवाह फैला जा रहा है, आप नाराज मत होइए। नहीं, हम बता रहे, अब ये मुहिम तो कहा कि बारी सिद्दीकी का इतिहास जो आदमी नहीं जानता है वो बेवकूफ है, चलाएगा। मैं जानता हूँ, मैंने कहा तो अब्दुल बारी सिद्दीकी लाभ के लाभ घाटे लाभ का के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे यार, ऐसा है कि हम लोग जहाँ बंद जाते हैं बंद जाते हैं, हम लोग राजनीति में वसूल के साथ हैं, और मैं जहाँ रहे हैं रहे हैं। लेकिन आरजेडी में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको लगता है? ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रघुवंश बाबू नाराज चल रहे हैं, आप जानते ही हैं, खुलेआम बोल चुके हैं कि ऐसा है कि अगर किसी का मतांतर होता है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वो पार्टी से, पार्टी के नेतृत्व से, पार्टी के विचार से वो उसका भिन्नता है। लेकिन रघुवंश बाबू रामा सिंह के पार्टी में एंट्री के खिलाफ है। हमको नहीं जानकारी है, यही तो आप लोग से सुनते हैं। ये रघुवंश बाबू से जब मुलाकात होगी तब बात होगी। तो आप पार्टी के इतने सीनियर नेता हैं, आपसे बात नहीं होती है कि रामा सिंह शामिल हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं? आप बता रहे हैं, अब आपको जानकारी है, हमको रघुवंश बाबू के बारे में जानकारी है नहीं, तो हम क्या किस तरह से बोले? पार्टी में जो भी बड़े फैसले होते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्यों नहीं पता रहता है? हम साधारण कार्यकर्ता हैं, ठीक है, साधारण कार्यकर्ता, हमको नहीं जानकारी होती है। अब आप लोग के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। तो आप अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को सुन रहे हैं, ये बेहद नाराज हैं जो खबर चली कि आरजेडी में टूट हो रही है और उसको टूट को लीड कर रहे हैं। वैसे इनका इतिहास ऐसा रहा नहीं है, जहां रहे हैं वही रहते हैं। दूसरी बात है कि जो एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, तो हर इलेक्शन में दुगो उधर जाएगा, दुगो इधर आएगा, चार गो उधर जाएगा, चार गो इधर आएगा, समझे कि नहीं? वो अपना एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स के लिए करते, तो जो लोग एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स वाले हैं तो बेचारा एडजस्ट होना चाहता है कहीं। अब देखिएगा कितने लोग यहाँ आएंगे, सब टोटल एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स का है। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को ललचाई नज़र से तो सब दल देखते ही हैं हमेशा, लेकिन भले न जाए या देख रहे हैं, बहुत दिनों से लोग देख रहे हैं, समझा कि नहीं? सच्चाई बता दीजिएगा, आपसे कोशिश करते हैं कि नहीं आपको तोड़ने की? कोशिश करते हैं कि नहीं, आप नहीं टूटेंगे, ठीक है, मगर मैं बता दे रहा हूं किसी न किसी रूप में बातचीत चलाते हैं, मगर हम कह सकते हैं कि किसी को हिम्मत नहीं होती हमसे बात करने की, साइड से ऑफर दिलवाते हैं। हाँ, मतलब हमसे हिम्मत किसी की नहीं हुई है कभी बात करने की,
मतलब किसी भी तरह का एपिसोड हुआ हो, मगर हमसे बात करने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। लेकिन साइड से मैसेज देते रहते हैं ना, सिग्नल देते रहते हैं। साइड से कोई फॉल प्ले खेलता रहता है तो अब क्या कीजिएगा, मगर हम गेम खेलते हैं हमेशा, फेयर प्ले खेलते हैं। अब फॉल प्ले खेलने वाले फॉल प्ले खेलते रहते हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ठीक से पार्टी को ले चल रहे हैं और चुनाव की तैयारी में ठीक से लगे हुए, संतुष्ट हैं आप? भैया ऐसा है कि मैं मतलब अभी जो नेतृत्व का मिला है उनको, तो अब तो हम देखते हैं युवा में भी खास करके और दूसरों में भी कि तारीफ कर रहे हैं उसकी। मतलब हम समझे नहीं भैया, ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष के नाते, फिर जो पार्टी का लालू जी की अनुपस्थिति में जो एक बेटे को काम करना चाहिए जिस तरह से, उसमें जो उनकी भूमिका बढ़ी है, तो उससे पार्टी में जान आया है, कमजोरी नहीं आई। लालू जी की कमी खल रही है कि नहीं? भैया लालू जी की कमी तो कभी भी खलेगी। अब लालू जी के पैरेलल हम हो जाए, अब फलना हो जाए, कोई हो सकता है क्या? लालू जी होते तो पार्टी टूटती, पांच एमएलसी से भागते। अरे भैया वो संभाल लेते ऐसा नहीं, नहीं इस तरह के लोग चले ही जाए समय से पहले तो अच्छा है। तो सिद्दीकी बाबू को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट की राजनीति और पॉलिटिक्स करते नहीं है, और किसी की हिम्मत कहाँ है जो इनको डायरेक्ट ऑफर भी दे दे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है, शुरू से आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी में ही बने हुए हैं, भले पार्टी में इनको वाजिब जगह न मिले लेकिन पार्टी छोड़ने वाले नहीं। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।